इंडिया के वेस्ट साइड में मिडिल ईस्ट के एक छोटा सा कंट्री है ईरान। अब यह कंट्री जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, खासकर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने ईरान के चाबहार में एक पोर्ट डेवलप किया है, जिससे इंडिया पाकिस्तान को एलिमिनेट करके डायरेक्ट अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया और रशिया तक भी एक्सेस कर सकता है। जब कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन और यूएस अपना अपना आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में फैलाने की कोशिश कर रहा था, तब इंडिया का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ और पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ था। उसी तरह से ईरान भी ये दोनों बिग पावर के बीच फंसा हुआ एक कंट्री था। पहले तो ईरान यूएस का एक अलाय था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से यूएस ने ईरान के ऊपर ही सैंक्शंस लगा के रखे हैं? आखिर क्या है ईरान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। In an age when so many monarchies perished and Mohammad Reza Shah had ascended to the throne, Iran still adheres to her constitutionalist traditions, its art and culture. But looking back to the empire of Cyrus, of Dariush, of Xerxes, the basis of Iran's wealth, the oil boom offering new opportunities, new challenges for the country's development, marked the beginning of the oil industry. Out of Reza Shah's family, his eldest son, Mohammad Reza, is appointed crown. Toward the end of 1943, the big three are, of course, preoccupied with the big decisions which would determine their future mutual relationship. Smaller countries make no advance in their efforts to attain high living standards and social justice. 550 BC में ईरान एंशियंट एकमेनियन एम्पायर के अंडर रहा, जिसके फाउंडर थे साइरस द ग्रेट। तब ईरान को पर्शिया कहा जाता था। इसके बाद 312 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने लास्ट एकमेनियन एम्परर डेरियस द थर्ड को हरा के पर्शिया को इन्वेट किया, और इसी के चलते सेल्यूसिड द फर्स्ट के अंडर सेल्यूसिड एम्पायर का स्थापना हुआ। लेकिन 248 BC में ईरान के नॉर्थ वेस्ट साइड में पर्थियन लोग रहते थे, जिन्होंने रिवोल्ट करके सेल्यूसिड एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ा और पर्थियन एम्पायर स्टैब्लिश किया। इसके बाद 224 AD में अर्दाशीर द फर्स्ट के अंडर ससानियन एम्पायर पर्शिया कॉन्क्वर करता है। 1219 में पर्शिया में मंगोल इन्वेड करते हैं, और चंगिस खान की मौत के बाद उनके बेटे हलागू खान ने पर्शिया पर राज किया। इसके बाद 1370 में तैमुरलेन, जिसे हम तैमूर नाम से भी जानते हैं, उनके अंडर तैमुरिद एम्पायर 1507 तक पर्शिया को रूल करता रहा। 1507 से लेकर 1736 तक सफ़विद एम्पायर पर्शिया को रूल किया, और इसके बाद नदीर शाह के अंडर अफसरिद एम्पायर सफ़विद एम्पायर को हरा के ईरान के मेनलैंड एरिया को रूल करा। इस समय आपने नदीर शाह की इंडिया में बार बार अटैक करना और बहुत सारे कीमती चीज इंडिया से पर्शिया ले जाने की बात जरूर सुनी होगी। 1796 में पर्शिया में कजार डायनेस्टी रूल करता है, जिसे एस्टैब्लिश किया था आगा मोहम्मद खान कजार ने। यह डायनेस्टी 1925 तक पर्शिया पे रूल करता रहा, और तब इन राजाओं को शाह नाम से पुकारा जाता था, और इसी दौरान बहुत सारे जंग भी लड़ा गया। बैटल ऑफ सुल्तानाबाद, जो पर्शिया और रशियन एम्पायर के बीच हुआ था। बैटल ऑफ एलिजाबेथ पोल, जो आज के अजरबैजान के कैपिटल बाकू शहर में लड़ा गया था, और इसी दौरान ग्रेट पर्शियन फेमिन भी हुआ था, और इस भूखमरी की वजह से 2 मिलियन लोगों की मौत एस्टिमेट किया जाता है। साल 1906 में ईरान में पर्शियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लाया गया, जिसके चलते ईरान में पहली बार मजलिस यानी कि पार्लियामेंट की स्थापना की गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पे शाह अभी भी बरकरार रहते हैं। इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी कहा जाता है, और इसी वक्त ईरान के एरिया पर ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि इसी वक्त मिडल ईस्ट में ईरान के कोजस्तान प्रोविंस में ऑयल का डिस्कवरी होता है, जिसके चलते रशियंस और ब्रिटिश
इस जगह पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 1921 में ब्रिटिशर्स के मदद से मिलिट्री ऑफिसर रेजा शाह पहलवी ने कजार डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया एक मिलिट्री कू के द्वारा। अब आप लोग ये कहोगे कि ब्रिटिशर्स ने रेजा शाह की मदद क्यों की? इसका जवाब बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑयल डिस्कवरी के वक्त ब्रिटिशर्स ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनाई थी, जिसके चलते ऑयल के ऊपर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था और ब्रिटिशर्स के हाथ में कठपुतली यानी पपेट रूलर की तरह रेजा शाह पहले भी के रहना बहुत ही जरूरी था और ये उनके लिए प्रॉफिट और एडवांटेज भी था। इसी वक्त रेजा शाह ने पर्शिया का नाम बदल के ईरान रख दिया, लेकिन पर्शियन लोगों को अपने देश में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो भी धीरे धीरे और शाह भी धीरे धीरे ब्रिटिश के हाथ के पपड़ बन के रह गया। इसी के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ईरान जर्मनी को पहले तो सपोर्ट करता है, लेकिन 1941 में ब्रिटिश और सोवियत ने ईरान पे अटैक करके ईरान के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके चलते ईरान भी एलाइड पावर का हिस्सा बन गया। हालांकि ईरान अटैक करने का प्राइम मोटिव था ऑयल रिजर्व्स पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। इसी वक्त रेजा शाह पहलवी को भी हटा के उनके बेटे मोहम्मद रेजा शाह को थ्रोन पे बैठाया गया। 1943 में तेहरान डिक्लेरेशन साइन की जाती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, सोवियत लीडर स्टालिन और ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल के द्वारा इससे ईरान का बाउंड्री भी डिफाइन किया जाता है और पोस्ट वॉर इंडिपेंडेंस के बारे में भी बात होती है। इसके बाद मोहम्मद मोसद्दिक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो ईरान के ऑयल रिजर्व्स को नेशनलाइज करने की बात करते हैं और इसके चलते ब्रिटिश MI6 और US मिलिट्री ने कू करके मोसद्दिक को पोस्ट से हटा देते हैं और दोबारा कंट्री में मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। इसी वक्त बगदाद पैक्ट भी साइन किया जाता है, जिसके चलते ईरान और वेस्ट के बीच नजदीकियां बढ़ने लगता है। लेकिन इसी वक्त ईरान का US और वेस्ट के तरफ नजदीकियां बढ़ने से ईरान में वेस्टर्न कल्चर का भी इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, जिससे ईरानियन लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसी के चलते रिलीजियस लीडर आयतुल्ला खुमेनी ने ईरान के इस्लामिक कल्चर को लेकर एक स्पीच दिया, जिसमें खुमेनी ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन की बात की, जिसके चलते शाह ने खुमेनी को पहले इराक और फिर फ्रांस में एग्जाइल कर दिया। लेकिन तब तक ईरानियन लोगों ने शाह और वेस्टर्न पावर का बुरी तरह से अपोज किया और ईरान में खुमेनी का पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा। 1979 में ईरान में खुमेनी के बढ़ते पॉपुलैरिटी और रेजा शाह के वेस्टर्न कल्चर को अपोज करते हुए एक रिवॉल्यूशन होता है, जिसे ईरान के हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक भी कहा जाता है। और इसी दौरान शाह US चले जाते हैं मेडिकल लीव के लिए और खुमेनी बनते हैं ईरान का सुप्रीम लीडर और ईरानियों ने भी खुमेनी का जम के सपोर्ट किया। खुमेनी ईरान लौट के ही शिया इस्लाम को ईरान का ऑफिशियल रिलीजन बनाया और शरिया लॉ को भी इम्प्लीमेंट किया गया। शाह के सपोर्ट करने के लिए US के ऊपर ईरानी लोग बहुत ही गुस्सा थे और इसी के चलते US एम्बेसी में US टॉप ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बनाया जाता है, जिसे US हॉस्टेज क्राइसिस भी कहा जाता है। उनका ये डिमांड था शाह को ईरान वापस भेज दिया जाए, लेकिन US ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिसके चलते 444 दिन तक डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज रखा जाता है। लेकिन 1981 को अल्जीरिया अकॉर्ड्स के मुताबिक हॉस्टेजों को छोड़ दिया जाता है और US ने इसी वक्त ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी इम्प्लीमेंट कर देता है। ईरान में इस वक्त एंटी अमेरिका स्लोगन्स भी देखा जाता है। एक टर्म बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था इस वक्त, जो था ग्रेट सैटन। 1980 में इराक का डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर जंग शुरू कर दिया, जिसके चलते ईरान की इकोनॉमिक सिस्टम तबाह हो गया। 1988 में इस जंग का अंत होता है और 1989 में खुमेनी का नेचुरल डेथ हो जाता है। उन्होंने एक 25 लोगों की कमेटी बनाई थी, जिसके चलते अली खुमेनी
बनते हैं अगला सुप्रीम लीडर और थियोक्रेसी सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाता है, जिससे देश में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पावर सुप्रीम लीडर के पास ही रहेगा। आज तक अली खोमेनी ही ईरान के सुप्रीम लीडर है, और ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में थियोक्रेसी एक नया वर्ड इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि डेमोक्रेसी के समान ही था, लेकिन यहाँ सुप्रीम लीडर को भी यहाँ पे माना जाता है। और तब से लेकर आज तक ईरान और यूएस के बीच एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बना रह गया। लेकिन रिसेंटली यूएस ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस इसीलिए लगाया क्योंकि ईरान सीक्रेटली एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसके चलते यूएस और इसराइल एक साथ होके ईरान के ऊपर धमकियां देने लगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय।